ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स या फिर ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और कल भी हम लोगों ने थोड़ा सा देखने की कोशिश की थी, लेकिन वो शायद हम पूरी तरह से देख नहीं पाए थे। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, कल भी हमने कहा था कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल इनके बीच में कोई भी एक डायरेक्ट बॉन्ड अगर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलेंगे, एनी कंपाउंड। तो उसमें एग्जाम्पल की अगर बात आई थी तो हमने वहां पर एग्जाम्पल कोट किया था ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का, जो कि एक ऑर्गेनिक ये जो ग्रुप है वो इस मेटलिक ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। तो ये कंपाउंड जो है वो एक तरह से क्या है, एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। इसके अलावा मैंने फ्रैंकलिन रिएजेंट के बारे में बात की थी, जहां पे हम डाइमिथाइल जिंक को हम पढ़ते थे, तो ये भी एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, ये भी एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। या फिर कोई भी दूसरा, अगर हम यहाँ पर मेटल ले लें, जैसे कि इथाइल एल्कली मेटल ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि सोडियम ले लिया या इथाइल लिथियम ले लिया, ये सारे के सारे जो हैं वो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। कुछ और ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जो आपने पहले से जानते हो, पढ़े हैं, जिनको मैं कल बता रहा था कि टेट्राएथिल लेड जो है वो टेट्राएथिल लेड, ये टेट्राएथिल लेड आपने पढ़ा होगा, है ना, जिसको TEL बोलते हैं, और एंटी नॉकिंग रिएजेंट की तरह हमें ये काम में हम लेते हैं। तो जो फ्यूल होता है वो जब वो बर्न होता है तो वहां पे जो नॉकिंग की आवाज होती है उसको कम करने के लिए या उसको हटाने के लिए हम इस तरह का जो कंपाउंड है वो हम किस में डालते हैं, पेट्रोल में, या जो हमारा फ्यूल है उस फ्यूल के अंदर डालते हैं। तो ये एंटी नॉकिंग रिएजेंट। इसके अलावा कुछ ऐसे सैंडविच कंपाउंड आप लोगों ने पढ़े होंगे, है ना, जैसे एक कंपाउंड आपने देखा होगा जिसको हम बोलते हैं फेरोसिन, तो कैसे बनाए, हाँ इस तरह से। तो ये साइक्लोपेंटाडाइन पेंटाडाइन ये दो रिंग्स हैं और इसके बीच में Fe जो मेटल है वो प्रेजेंट रहता है, क्योंकि तो इन दोनों के बीच में है। इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सैंडविच कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सैंडविच कंपाउंड इसको हम बोलते हैं फेरोसिन, या फिर इसको आप क्या बोलोगे भाई, दो साइक्लोपेंटाडाइन है ना, डाई साइक्लोपेंटाडाइन आयरन, ठीक है, तो इस तरह से भी इसका हम नाम दे सकते हैं। और भी बहुत सारे कंपाउंड है। तो कुल मिलाकर के हमें देखना क्या है, हमें देखना सिर्फ इतना है कि कार्बन और मेटल के बीच में कोई बॉन्ड अगर प्रेजेंट है उसको आप इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में डाल दोगे। ठीक है, अच्छा, बहुत से ऐसे कंपाउंड भी हैं जो मतलब देखने में, अगर आप उसको पहले एकदम से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। जैसे कि बहुत सारे कंपाउंड्स आप पढ़ते हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, जैसे हमने लिखा कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट में आपको लगेगा कि कार्बन है और ये जो कैल्शियम है इसके बीच में बॉन्ड है, ठीक है। इसी तरह से जो ऑर्गेनिक एमीन्स होती हैं, ये ऑर्गेनिक एमीन, लेकिन यहां पर कोई भी वो नहीं है, मेटल नहीं है, ठीक है ना। तो इसके पास जो लोन पेयर होता है, तो उस अगर आप इसको इस तरह से दिखा दें, CH3 NH2, और इसका जो लोन पेयर है ये आप प्रोवाइड कर दें मेटल को, कोई भी मेटल हमने ले लिया, तो इसके बीच में इस तरह का बॉन्ड अगर होगा तो इस तरह के कंपाउंड आप देख सकते हो। या फिर एक कंपाउंड आप देखते हो जो एसीटेट्स होते हैं, इस तरह से ये लेड एसीटेट है, मान लो ये लेड एसीटेट, तो ये ऑर्गेनिक ग्रुप है और ये हमारे पास में मेटल है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास मेटल है, ये ऑर्गेनिक ग्रुप है, ये मेटल है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कार्बन और
मेटल, अगर इसके बीच में अगर डायरेक्ट बॉन्ड भी अगर है तो आप ऑर्गेनोमेटेलिक बोलोगे, लेकिन बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जहां पर आपको देखने को लगेगा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा लेकिन वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होता। जैसे कि ये बहुत सारे कार्बोनेट्स या ऑर्गेनिक एमीन्स या कई सारे जो मेटेलिक सॉल्ट होते हैं, कार्बोनिल्स होते हैं, साइनो कंपाउंड होते हैं, वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं आते। साइनो कंपाउंड जैसे कि मान लीजिए कि आपने ये लिख दिया सोडियम साइनाइड। अब सोडियम साइनाइड में आप ये बोलोगे कि साहब ये जो साइनो ग्रुप जो है ये ऑर्गेनिक ग्रुप है, ये हमारे पास में मेटल है तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक होना चाहिए, लेकिन ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं ये कैसे हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ये नहीं है। पहली बात, अगर हम यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। कार्बोनेट को अगर आप लिखोगे है ना, तो वो किस तरीके से आप बनाओगे, कैल्शियम ये होता है, ठीक है। अब होगा क्या इसके अंदर, इसके अंदर ये जो ऑक्सीजन हैं, ये जो दो ऑक्सीजन, ये दो ऑक्सीजन, इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये फिर किससे जुड़ा होगा, मेटल से जुड़ा होगा, ये 2+ चार्ज है इसके पास, तो इसके बीच में इंट्रेक्शन, इसके बीच में। तो देखो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि कार्बन और मेटल के बीच में इंट्रेक्शन भी नहीं है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, इस वजह से भी ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। साथ में क्या है, ये कार्बोनेट जो है वो इनऑर्गेनिक ग्रुप है ना कि ऑर्गेनिक ग्रुप, इस वजह से भी ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। अगर हम यहाँ पर एसीटेट्स की बात करें तो एसीटेट्स को आप कैसे लिखते हो, एसीटेट को लिखते हो आप इस तरह से, इस तरह से, और दूसरा एसीटेट ग्रुप भी आप यहाँ पर इस तरह से लगाओ। ये दोनों जो है इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये लेड जो है इस पर 2+ चार्ज होता है, इन दोनों के बीच का इंट्रेक्शन होता है ये, और यहाँ पर भी आप देखोगे कि मेटल और ऑक्सीजन, सॉरी मेटल और ऑक्सीजन, बिल्कुल मेटल और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, तो इस वजह से ये कंपाउंड जो है वो भी ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है। हालांकि हमें यहाँ लगता है कि ये ऑर्गेनिक ग्रुप है और यहाँ पे ये मेटल ग्रुप है, ठीक है। तो आपको पहचानना भी आना चाहिए कि कौन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और उसमें कार्बन और मेटल के बीच का जो बॉन्ड है वो वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, और उसको आप किस तरीके से देख सकते हो, उसका स्ट्रक्चर बना करके आपको वहां पे पता लगाना पड़ेगा कि वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है या नहीं है। अच्छा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या आपको पता है कि पहला ऐसा कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन सा था, कोई बता सकता है, नहीं बता सकता, चलो मैं बताता हूं। ये एक कंपाउंड था, ये कंपाउंड, अब इस कंपाउंड को अगर आप यहाँ पे नाम दो तो नाम देना आपको आता ही है, तो आप यहाँ इसको इसको नाम दे सकते हो पोटेशियम, ठीक है ना। यहाँ पे दो हमारे पास में लिगेंड्स हैं इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, एक तो क्लोरो ग्रुप है और ये एथिलीन ग्रुप, ठीक है ना। तो ई पहले आता है या सी, तो आप सी को लिखोगे, तो यहाँ पे पोटेशियम ट्राई क्लोरो इथाइलीन प्लैटिनेट, प्लैटिनेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम है तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज होगा, इस वजह से यहाँ पे पॉज आया है। और नेगेटिव अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर या ये जो आप क्या बोलते हैं उसको, जो कॉम्प्लेक्स आयन है उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो मेटल उसका क्या हो जाता है, एट लगा देते हैं उसके, तो वो प्लैटिनेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कि ये है 2, है ना, इसीलिए यहाँ पे ये जो क्लोरीन है इसका फॉर्मल चार्ज क्या है, वो चार्ज क्या है, वो है -3, ये न्यूट्रल होता है। अब ये -3 दे रहा है तो 2+ और 2- तो हो गए न्यूट्रल, और 1- यहाँ पे एक्स्ट्रा है, जिस तरह भी ये प्लैटिनम 2 पर है, यहाँ पे आप लिख दोगे प्लैटिनेट 2।
जो, तो ये कंपाउंड है, ठीक है। ये पहला कंपाउंड था जिसको, जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो सबसे पहले बनाया गया था, और इसको हम पोटेशियम ट्राइक्लोरो एथिलीन प्लेटिनेट तो बोलते ही हैं, साथ में इसको हम जाइस सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप बता सकते हो कि जाइस सॉल्ट जो है, जो पोटेशियम ट्राइक्लोरो एथिलीन प्लेटिनेट टू है, वो फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट का फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है, ओके। नाउ अब बात आती है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या एक जैसे होते हैं, या इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, या ये अलग अलग टाइप के होते हैं, है? तो यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एक तरह के नहीं होते, बल्कि काफी सारे तरह के होते हैं। तो यहाँ पे अब पहले हम बात करेंगे जो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरीके से हम उसको क्लासिफाई करें। तो देखो, कई सारे मेथड्स हैं इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करने के, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो कई सारे मेथड्स में से सबसे पहला जो मेथड है, वो मेथड है आपको हेप्टिसिटी के बेस पर, ठीक है ना, बेस्ड ऑन हेप्टिसिटी। अब हेप्टिसिटी के बेस्ड पर अगर आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को क्लासिफाई करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हैप्टिसिटी क्या होती है, ठीक है ना, हैप्टिसिटी क्या होती है। तो हैप्टिसिटी क्या होती है, अच्छा चलो आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही अब याद नहीं है, तो हैप्टिसिटी तो आपने वैसे भी नहीं पढ़ी होगी। तो देखो, हैप्टिसिटी क्या होती है, हैप्टिसिटी होती है कि किसी भी मेटल आयन और ऑर्गेनो ग्रुप जो है, उसका जो भी कंपाउंड आपको वहां पे मिल रहा है, तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा, तो ये जो कार्बन है ना, या जो भी डोनर एटम है, डोनर एटम यहाँ पे कार्बन ही होगा, ठीक है ना, ये कितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स ऐसे हैं जो इस मेटल को क्या कर रहे हैं, मेटल के साथ में बॉन्ड बना रहे हैं या डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है ना। तो आप यहां पे बता सकते हो नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन एटम्स एज अ डोनर, मतलब कार्बन एटम तो जरूरी है, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए कि ये इस तरह का कंपाउंड आपके पास में है। अब यहाँ पे डोनर तो यही अकेला है ना, नंबर ऑफ एटम्स तो ये भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आप बताओगे कि कार्बन एटम कितने डायरेक्टली अटैच हैं जिन्होंने एज अ डोनर जो है मेटल के साथ में बॉन्ड बनाया हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे उसकी हैप्टिसिटी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स और कार्बन एटम्स अटैच टू मेटल एटम, और इसको डिनोट करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं ईटा, ठीक है, और ये यहां पर है एक्स। इस सिंबल के थ्रू हम हैप्टिसिटी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। जैसे कई बार आपको आपको देखने को मिलेगा ईटा वन या ईटा टू या ईटा थ्री, तो ये क्या है, ये वन या टू या थ्री, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये क्या है, ये जो एक्स है, ये एक्स क्या है, ये एक्स है कि कितने डोनर एटम्स है, ये जो कार्बन एटम्स जो प्रेजेंट है ना, जिन्होंने मेटल के साथ में बॉन्ड बनाया हुआ है, वो कितने एटम्स है, वो वैल्यू आप निकालोगे किस, उसको आप क्या बोलोगे, एक्स, ठीक है। सो ईटा से आप रिप्रेजेंट करोगे, और जितने भी डोनर एटम्स वहां पे प्रेजेंट होंगे जो मेटल के साथ में डायरेक्ट बॉन्ड बना रहे हैं, उसको आप लिख दोगे एक्स। इसका मतलब यहां पर अगर आप ईटा वन देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि एक डोनर कार्बन एटम ने मेटल के साथ में बॉन्ड बनाया। अगर यहां पे आप ईटा टू देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि दो डोनर एटम्स जो कार्बन के हैं, उन्होंने मेटल के साथ में बॉन्ड बनाया है। और अगर आप
थ्री देख रहे हो तो तीन ने बनाया, चार देख रहे हो तो चार ने, ऐसे करके हम काफी सारे जो ईटा है उसके काफी सारे हेप्टेसिटी को आप क्या कर सकते हो, फर्दर और क्लासिफाई कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द डोनर एटम्स का नंबर कितना है। ठीक है, अब डोनर एटम को आप क्या बोलते हो, लिगेंड भी बोलते हो, है ना, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? या आपने पढ़ा है कि डोनर एटम मेटल के साथ में कॉम्प्लेक्सेस में क्या बनाता है, क्या क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम हैप्टेसिटी को फर्दर और डिवाइड करेंगे या और क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ डोनर एटम्स। तो यहाँ पे पहली जो हैप्टेसिटी है, जिसे आप बोल जिस तरह के लिगेंड्स हैं उन्हें आप बोलोगे मोनो हेप्टो लिगेंड्स, ठीक है ना। और मोनो हेप्टो को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ईटा वन से। अब यहां पर आप देखो कि कौन सा ऐसा लिगेंड है जो क्या है, मोनोहेप्टो है, या एक डोनर एटम कार्बन का वहां पे प्रेजेंट होता है। जैसे कि जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं जिसको आप आर से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है ना। अब वो क्या हो सकते हैं, वो आपके मिथाइल हो सकता है, ये वो इथाइल हो सकता है, इस तरह से वो फेनिल हो सकता है, C6H5, है ना ये, ठीक है। तो इस तरह के जो लिगेंड्स हैं जहां पे सिर्फ एक डोनर एटम है, एक कार्बन डोनर एटम, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, इन तीनों में क्या है, वन कार्बन एटम, तो इसको हम क्या बताएंगे कि ये मोनोहेप्टो टाइप का है। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, ETA1CH3। हालांकि तो ये बता रहा है कि ये जो CH3 जुड़ा हुआ है ये मोनोहेप्टो की तरह जुड़ा हुआ है, मतलब इसका एक कार्बन, अब इसमें तो एक ही कार्बन है, लेकिन आप यहाँ पे लिख सकते हो C2H5 जो है उसके लिए आप लिख सकते हो ETA1, मीन्स C2H5 सिर्फ एक ही कार्बन एटम के साथ में, मेटल के साथ में जुड़ा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे कंपाउंड बताना चाहो तो क्या बता दोगे, ये जो आपने अभी ऊपर एग्जाम्पल देखे थे ना, एक रिग्नॉर्ड रिजेंट का एग्जाम्पल मान लीजिए, ठीक है, जो हमने क्या देखा था, टेट्राएथिलेड का देखा था। तो अब आपको टेट्राएथिलेड की बात करूं तो टेट्राएथिलेड कुछ इस तरह से कंपाउंड बनाएगा। अब आप एक चीज मत बोलने लग जाना कि साहब यहाँ पे तो चार चार कार्बन एटम हैं जो डोनर हैं, आया ना भाई, ये वाला कार्बन भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये वाला भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। अरे हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, ये एक लिगेंड है, ये दूसरा लिगेंड है, ये तीसरा लिगेंड है, ये फोर्थ लिगेंड है, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, एक लिगेंड। तो अगर इस लिगेंड की बात करेंगे तो यहाँ पे ये क्या बनाएगा, ये CH2CH3 इस तरह से ही बनाएगा, इस तरह से, और ये इसकी वैकेंट होगी वैलेंसी, और यही इस क्या करेगा, मेटल के साथ में बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो एक ही कार्बन ऐसा यहाँ पर है जो मेटल के साथ में डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है, इसलिए टेट्राएथिलेड में सिर्फ एक लिगेंड, ये दो, ये लिगेंड की संख्या कितनी भी हो सकती है लेकिन उस लिगेंड में कितने कार्बन एटम ऐसे हैं जो मेटल के साथ में बॉन्ड बना रहे हैं उसके बेस पे। तो ये सब क्या है, ये मोनोहेप्टो लिगेंड जिसे आप ईटा वन बोलते हो उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा आप देखोगे जिसे हम बोलेंगे डाईहेप्टो, दूसरा जिसे हम बोलेंगे डाईहेप्टो, डाई हेप्टो लिगेंड। अब डाईहेप्टो लिगेंड को आप बताते हो ईटा टू से, ठीक है ना। अब टू क्या है, टू है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो उसमें मेटल के साथ में बॉन्ड बना रहे हैं। अब ये वाले जो बॉन्ड्स होते हैं इसमें दो कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, और ये जो अभी आपने ऊपर एक मैंने सॉल्ट लिखा है था, कौन सा, जाइस सॉल्ट, ये जाइस सॉल्ट में जो C2H4 एक लिगेंड हमने जो अटैच किया था वो क्या है, वो डाईहेप्टो है, ईटा टू टाइप का। तो उसको अगर हमको वाकई लिखना पड़ेगा तो हम कैसे लिखेंगे उसको, हम लिखेंगे उसको ऐसे, प्लैटिनम,
Cl3। और जो लिगेंड है, हमने तो डायरेक्ट क्या लिख दिया था, C2H4 लिख दिया था इस तरह से, है ना, और ये लिख दिया था इस तरह से। लेकिन इसको इस तरह से ना लिख करके आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे, पोटेशियम प्लैटिनम Cl3, और यहां लगाओगे ब्रैकेट, और ये बताओगे कि ये जो C2H4 है ये क्या है, ये बाईहेप्टो है, डाईहेप्टो, मतलब डाईहेप्टो है, ट्राईहेप्टो है, या मोनोहेप्टो है। तो यहां पर आप इसको लगा दोगे कि ईटा 2। तो ये पता चल जाएगा आपको कि ये जो C2H4 है इसमें दो कार्बन एटम ऐसे हैं जो लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं या डोनर की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर अगर आप लिखोगे तो स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे? अब स्ट्रक्चर लिखने के लिए आप यहाँ पे देखो कि जो C2H4 है ये क्या है। तो C2H4 को लिखते हैं हम कुछ इस तरह से, C2H4, ये C2H4 है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा आयन है, ये मेटल, ये है हमारे पास में PtCl3। और ये क्या करेगा, ये, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं यहां पे, कि जैसे ये डबल बॉन्ड है, अब ये डबल बॉन्ड अकेले इस एक कार्बन का तो है नहीं, ना तो ये इसका है और ना ये इसका है, बल्कि किसका है, दोनों का है। तो अगर यहां पर ये इसके साथ में अगर अटैच होता है तो ये इसका भी माना जाएगा, इस कार्बन का और इस कार्बन, मतलब दोनों कार्बन जुड़े हुए हैं इससे, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये ईटा 2। ठीक है, तो आप इसको ऐसे डॉट 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 करके ऐसे भी दिखा सकते हो, यू तो इसका मतलब ये है कि दोनों कार्बन एटम्स जो है वो इसके साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा, और ये यहाँ पे आपका पोटेशियम वाला। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है, वो डाईहेप्टो का है, जहां पे दो कार्बन एटम्स क्या कर रहे हैं, मेटल के साथ में डायरेक्ट बॉन्ड बना रहे हैं। अगर इस बात को अगर आप नहीं समझे हो तो एक बार दोबारा पूछ सकते हो, और अगर समझ गए हो तो मैं आगे वाला जो हमारा ट्राई हेप्टो लिगेंड है उस तक पहुंचता हूं। आ गया सब कुछ आपको, सबको सबको यस समझ आ सर। गया? ओके, वेरी गुड। नाउ अब हमारा हमारा जो है वो है ट्राई हेप्टो लिगेंड। ट्राई हेप्टो लिगेंड को आप बोलोगे ईटा 3। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब ट्राई से मतलब है कि तीन कार्बन एटम्स एज अ डोनर क्या कर रहे होंगे वहां पर लिगेंड के, उस लिगेंड में डोनर की तरह मेटल आयन के साथ में बॉन्ड बना रहे होंगे डायरेक्ट, है ना। तो यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल लिखो ट्राई हेप्टो का। अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि ट्राईहेप्टो दिखाता कौन है, जो एलाइल एलाइल ग्रुप होता है, एलाइलिक ग्रुप, एलाइलिक ग्रुप्स, ठीक है ना, वो ये ईटा 3 टाइप का होता है। और इसको अगर आप बनाओ तो आप कैसे बना करके दिखाओगे, इसमें तीन कार्बन एटम्स ऐसे होते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये कैसे होगा, ये होगा आपका ये CH2, एक इधर CH2। अब बेसिकली वैसे देखा जाए तो एलाइलिक ग्रुप होता है कुछ इस तरह का, ये एलाइलिक ग्रुप है, आप इसको हम एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये क्या है, ये इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, इस वजह से ये सिंगल बॉन्ड से तो ये जुड़े हुए ही हैं सब। ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डिलोकलाइजेशन होकर के इधर भी जा सकता है, इसलिए इसका मतलब क्या है, डॉट 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 मैं इस तरह से कर देता हूँ कि ये पूरे इस पर डिस्ट्रीब्यूट रहता है ये इलेक्ट्रॉन्स, और पूरे जब इस पर होगा तो जो भी मेटल होगा, ये जो भी मेटल होगा जब इस, ये इस तरह से जब आप दिखाओगे तो इसका मतलब ये है कि इसने भी किया, इसने भी और इसने भी, तीनों ने डोनेट किया हुआ है इस मेटल, ठीक है ना, ये जो मेटल आपको दिख रहा है इसमें तीनों ने डोनेट किया हुआ है, इसलिए ये जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, ईटा 3। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझो, मैं आपको दो कंपाउंड लिख के दिखाता हूं या एक कंपाउंड लिख के दिखाता हूं और आप उसको समझो कि वो क्या है। जैसे मान लो मैंने आपको कंपाउंड लिखा Mg C3H5 Br। ठीक
ठीक है, एक कंपाउंड मैंने ये लिखा। अब आप मुझे एक चीज बताओ, ये जो C3H5 है, ये जो मैंने अभी लिखा था ना, अच्छा एक ये यहाँ पे केवल एक ही है, गलत बना दिया। ये CH और ये CH2। अब देखो यहाँ पे C कितने हैं, 1 2 3। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 2 5। तो C3H5 हो गया ये। अभी C3H5 ये दो तरह से भी, दो तरह से हो सकता है। एक तो ETA1C3H5 हो सकता है, और या फिर ये ETA3C3H5 हो सकता है। ये दो तरह से हो सकता है। अब दोनों तरह से कैसे होगा उस पर मैं बात करता हूं। मान लो कि अगर आपके पास में क्या हो, C3H5, तो यहां पे, यहां क्या होगा, यहां पे सिर्फ अकेला ये जो एलिमेंट है कार्बन का, ये सिर्फ डोनेट करेगा, इनका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। और यहां पर अगर C3 देखेंगे तो C3 का मतलब है कि इस तरह की सिचुएशन होगी, इस तरह की, ठीक है। यहां पे क्या आपसे दिखाओगे, यहां पे दिखाओगे सिर्फ उस मैग्नीशियम को, इस तरह से ये। तो सिर्फ इसने क्या किया, इसके साथ में किया। लेकिन अगर आपको इस तरह से दिखाना है, ETA3 का दिखाना है, तो ETA3 को कैसे दिखाओगे, ETA3 को दिखाओगे कुछ इस तरह से। और ये मेटल है मैग्नीशियम का, इसने डोनेट किया, तो आपने ये दिखा दिया, ये तो हो गया आपका ETA1 इस तरह से। लेकिन अगर इस तरह से शो किया हुआ है ये, अब क्या हुआ, इस कार्बन का भी और इस कार्बन का, दोनों का डोनर कंट्रीब्यूशन आ गया, और इसका तो था ही यहां पे, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ETA3, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका कंपाउंड किस तरह से लिखा हुआ है। आप इसी कंपाउंड को दो तरह से लिख सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो कि मैग्नीशियम ETA1C3H5Br, और आपको इसी को आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ETA3C3H5Br, ठीक है। लिखने के इससे ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो C3H5 जो है, उसको आपने किस तरह से यहाँ पे मेटल के साथ में अटैच करना है। आगे समझ में, आगे चलू? यस सर। ओके। इसी तरह से टेट्राहेप्टो का हम एग्जांपल लें यहाँ पे। टेट्राहेप्टो, इसको आप क्या बोलोगे, ETA4। अब इसमें अगर आप देखो तो जो ब्यूटाडाइन होती है, आपने पढ़ी होगी ब्यूटाडाइन डाइन। अब ब्यूटाडाइन को अगर आप लिखोगे तो कुछ इस तरह से लिखोगे, ठीक है ना, 1,3-ब्यूटाडाइन इस तरह से। अब इसमें क्या है, ये चार एटम्स, क्योंकि आपको पता है ये डिलोकलाइज्ड होगा, इसका मतलब ये चारों पर जो है वो जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर जाएगा। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरे इस पर है, मतलब सभी का इसमें कंट्रीब्यूशन है, और यहाँ पे जो भी मेटल है वो उसके साथ जुड़ा होगा। तो आप इसको क्या दिखा दोगे, आप इसको बता दोगे कि ये क्या है, ETA4। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, एक इस तरह का भी स्ट्रक्चर हो सकता है, इस तरह हो सकता है ना। अब इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये जो बॉन्ड है ये इस कार्बन से भी रिलेटेड है और इस कार्बन से भी रिलेटेड है, ये वाला डबल बॉन्ड, और इस वाले डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो ये इस कार्बन से भी और इस कार्बन से भी। तो अगर हमने यहां पर मेटल ले लिया, ये मेटल, तो ये क्या दिखाओगे आप, कुछ इस तरह से दिखाओगे, इसके साथ भी और इसके साथ, मतलब दो इसके और दो इसके, टोटल कुल मिला के जो चार कार्बन एटम्स हैं उन्होंने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया, और ये क्या हो जाएगा, ETA4, ठीक है, समझ में आ गया।
इसी तरह से पेंटा हेप्टो, तो पेंटा हेप्टो को भी आप इस तरह से दिखा सकते हो, पेंटा हेप्टो। अब जो मैंने अभी फेरोसिन का एग्जाम्पल बताया था, ये फेरोसिन, इसमें आप देखो 5 कार्बन एटम्स हैं और पूरा रिंग पर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और हमने इसको किसी एक विशेष बॉन्ड से नहीं बताया, इस पूरी रिंग से बताया, और यहां पर एफ ही लिखा हुआ। तो पांच इस कितने कितने इस कार्बन एटम, इस मेटल से कितने कार्बन एटम्स डोनेट कर रहे हैं, ये पांच अलग हैं। आप 10 मत बोल देना कि साहब पांच इसके और पांच इसके, ये अलग लिगेंड है और ये अलग लिगेंड है। ये अलग बात है कि दोनों सेम लिगेंड है, लेकिन लिगेंड दोनों अलग अलग है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका पेंटा हेप्टो का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब सिंगल में भी आप इसको देख सकते हो, इस जैसे सिंगल है और इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर आपको क्या कर दिया, यहाँ पर आपने एक मेटल लगा दिया, ये मेटल लगा, तो ये आपका ईटा 5 का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से अगर आप ईटा 6 हेक्सा हेप्टो में जाओगे, तो हेक्सा हेप्टो में क्या कर दोगे, बेंजीन ले लो। अभी ये आपको मालूम है बेंजीन रिंग में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन सब के पास में होता है, ठीक है, और इस तरह से आप यहाँ पे दिखा दो कि ये कोई मेटल है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ईटा 6 या हेक्सा हेप्टो। हेक्सा हेप्टो को आप इस तरह से भी दिखा सकते हो कि मान लीजिए कि आपके पास में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर तो वैसे ऑक्टागल हेड्रल है, 8 हेड्स हैं इसमें, 8 कार्बन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है ना, ये 8 कार्बन्स हैं, लेकिन इसमें जो बॉन्ड्स हैं वो आप देखो कि केवल 3 ही डबल बॉन्ड है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, और यहां पर आपके पास में मेटल प्रेजेंट है, और आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है ईटा 6 हेक्साहेप्टो। तो आप क्या दिखाओगे, इसके साथ में, इसके साथ में, इसके साथ, मतलब ये सिर्फ कौन कौन से, ये दो, ये दो और ये दो, यही क्या कर रहे हैं, सिर्फ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो टोटल केवल 6 कार्बन एटम्स में ही डोनर एटम की तरह यहां पर मेटल के पास में बॉन्ड बनाया हुआ है, इसलिए ये हेक्साहेप्टो का एग्जाम्पल। इसी तरह से क्या दिखा सकते हो, हेप्टा हेप्टो भी दिखा सकते हो, हेप्टा हेप्टो में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएंगे, सिंपल। ऑक्टा हेप्टो दिखा सकते हो, है ना, जिसको आप ईटा 8 से रिप्रेजेंट करते हो, तो यहां पर क्या कर दोगे, एक और बॉन्ड बना दो, तो इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे करके और भी बहुत सारे आप बना सकते हो, वो तो जितने भी कार्बन एटम्स मेटल के साथ में डोनेट कर रहे होंगे उस हिसाब से आप ये जो ईटा है यहाँ पर, ये जो एक्स की वैल्यू है उसको आप रख सकते हो, जितने भी कार्बन एटम्स मेटल के पास में डोनर की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हेप्टिसिटी है उसके बेस पर आप लोगों को क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, सेकेंड क्लासिफिकेशन जो हमारा बी टाइप का क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन क्या होगा, वो होगा कि जो ग्रुप है किस तरह का ग्रुप वहां पे प्रेजेंट है, उसके बेस पर भी हम, बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ ग्रुप्स, प्रेजेंस ऑफ ग्रुप, ठीक है, इसके बेस पर भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे यहां पर एक क्लासिफिकेशन में हम बोलते हैं सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अच्छा, हेप्टिसिटी अलग चीज है, जो डोनर एटम्स की वजह से जो है वहां पे हम उसका बेस बना करके और क्लासिफाई कर रहे हैं। एक होता है सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसमें क्या होता है, कोई भी एक हाइड्रोकार्बन होगा या कोई हाइड्रोजन रेडिकल होगा जो मेटल के साथ में डायरेक्ट अटैच होगा, ठीक है ना, सिंपल, उसमें कोई और दूसरी चीज वहां पे प्रेजेंट नहीं है, सिंपल एक चीज। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बताया टेट्राएथिल लेड, ये लेड है और इसके साथ में 4 जो इथाइल ग्रुप हैं वो जुड़े हुए हैं, ठीक। या फिर मैंने आपको बता दिया कि डाई इथाइल जिंक जो फ्रैंकलिन रिएजेंट है वो मैंने आपको बता दिया है,
अब इसमें क्या है, डायरेक्ट एक सिंपल लिगेंड, कोई भी लिगेंड वहां पे प्रेजेंट है। ये एल्केल ग्रुप भी हो सकता है, वो हाइड्रोजन भी हो सकती है। हाइड्रोजन कैसी होगी, जैसे कि मान लीजिए कि आपने ले लिया ये स्टेनस, और इसको आपने क्या किया, ये CH3 का थ्राइस और एक एच, है ना। तो इसकी जो चार वो थी, उसमें से तीन तो ऐसे हैं जो एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई हैं और एक हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है। तो हाइड्रोजन भी हो सकता है और एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, या फिर जो एल्किल लिथियम्स आप लिखते हो, ये सबके सब जो है वो सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। एक दूसरे टाइप का और होता है, जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। एक होता है सिंपल, जिसमें जो मैंने आपको बताया अभी, एक होता है मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या होगा, अलग अलग टाइप के दो तरह के ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे देखो, एक ही तरह का ग्रुप था ना, इथाइल है, ये इथाइल है, ये इथाइल है। हाइड्रोजन तो मैंने अलग से बोला हुआ है कि हाइड्रोजन हो या ये हो, ठीक है ना, वो उसकी कैटेगरी में ही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं मिक्स टाइप का, तो अभी हमने ग्रिगनॉर्ड रीजेंट के बारे में पढ़ा था। जैसे मान लीजिए कि ये ग्रिगनॉर्ड रीजेंट है, अब यहाँ दो ग्रुप हो गए, ठीक है, मेटल के साथ में जुड़ने वाले। एक तो एल्काइल ग्रुप हो गया और एक हैलो ग्रुप हो गया। अब ये दोनों एक जैसे नहीं है, इसकी टेंडेंस ये अलग टाइप का है और ये अलग टाइप का, दोनों का नेचर अलग अलग है। तो ये जो मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड है, ये मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। या फिर इसी स्टेनस पे देखो, आपका बार बार ध्यान हो सकता है इस तरफ जा रहा हो कि सर ने यहां तो बता दिया। तो मान लीजिए कि यहां पर स्टेनस हो, तो एक आपने जोड़ दिया, दो तो जोड़ दिए सीएल से, और दो जोड़ दिए किससे, मिथाइल से। तो अब दो टाइप के हो गए, यहाँ पर ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। दो अलग अलग टाइप के लिगेंड्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ग्रुप्स के बेस पर या उनकी प्रेजेंस के बेस पर आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर सकते हो, जिसमें सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और दूसरा मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। एक तीसरी कैटेगरी जो सी कैटेगरी है, वो क्या है कि जो मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, इसका टाइप क्या है, ठीक है ना, उसके बेस पर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। अब टाइप से मतलब वो आयनिक बॉन्ड बना रहा है, या कोई पाई बॉन्ड बना रहा है, या सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, मतलब कोवेलेंट नेचर का है या आयनिक नेचर का है। और कोवेलेंट होगा तो कोवेलेंट में भी क्या है, वो दो टाइप का हो सकता है, वो सिग्मा वाला भी हो सकता है, वो पाई वाला भी हो सकता है, पाई वाला भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं। तो इस तरह से मेटल बॉन्ड जो है, मेटल कार्बन बॉन्ड, उसका क्या टाइप है, उसके बेस पर भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसके बेस पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, तो पहला आपके कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम बोलेंगे आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स हैं, इसमें जो रेडिकल होगा वो निगेटिवली चार्ज, और मेटल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगी। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से हम इसे क्या बोल रहे हैं कि ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। जैसे मान लीजिए कि आपने ले लिया यहाँ पे जिंक, इसके पास में है 2+ चार्ज, और यहाँ पे ले लिया आपने डाईथाइल, कितने ले लिए, दो। डाईथाइल के पास में तो नेगेटिव चार्ज है, दो है, जिंक के पास में 2+ चार्ज है, ठीक है ना। तो इस तरह के कंपाउंड अगर आप यहाँ लेते हो, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ये दो आयन्स प्रेजेंट है, और इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स क्या बताता है, ये आयनिक नेचर के होंगे। अब जितने भी एल्कली अर्थ मेटल्स है, एल्कली अर्थ सॉरी एल्कली मेटल्स है ना, ये सबके सब क्या करते हैं, ये आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं, लिथियम को छोड़ करके, एक्सेप्ट ये एक्सेप्शन है, ठीक है ना, क्लियर। एक होते हैं आपके पाई बॉन्डेड, सॉरी सिग्मा बॉन्डेड, दूसरा जो है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब ये सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या हैं,
इनमें जो मेटल एटम्स हैं वो कार्बन के साथ में डायरेक्ट बॉन्ड से जुड़ा होता है। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड से। अब और इस सिग्मा बॉन्ड में, ये जो सिग्मा बॉन्ड जो मेटल और कार्बन के बीच में ये जुड़ा हुआ है, मैंने आपको बताया कि वो सिग्मा बॉन्ड है ये वाला। इस सिग्मा बॉन्ड में कुछ करेक्टर तो होते हैं आयनिक और कुछ करेक्टर होते हैं कोवेलेंट। ये आयनिक करेक्टर भी है इसमें और कोवेलेंट करेक्टर भी है। और ऐसा करेक्टर जिसमें आयनिक और कोवेलेंट दोनों होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पोलर। वहां पे डायरेक्टली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो मेटल है और कार्बन है वहां पे पार्शियल चार्जेस आ जाएंगे या फॉर्मल चार्जेस आ जाएंगे, जिसकी वजह से हम उसे क्या बोलेंगे? पोलर। ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड्स जो है वो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होंगे। एक तो हमने बता दिया यहाँ पे आयनिक, आयनिक में क्या होगा? डायरेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। और पाई बॉन्डेड में क्या होगा? पाई बॉन्डेड में वो पोलर नेचर का है, वो डायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से एक तरफ इलेक्ट्रॉन का झुकाव ज्यादा है। ये तो हो गया, टूट गया। और अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिखूं कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में काम आ रहे थे वो उसका झुकाव किस तरफ है? इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस वजह से इस तरफ ज्यादा है। ठीक है, और एक मैं लिखूं इस तरह से, तो ये तो क्या दोनों की बराबर, और ये क्या है जब एक तरफ ज्यादा है और पूरी तरह से टूट जाएगा तो पॉजिटिव बना लेगा और नेगेटिव बना लेगा, कि एम प्लस बन जाएगा और कार्बन जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। तो ये बनाएंगे आयनिक और इस तरह के बनाएंगे क्या? पोलर, ये वाले पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, और एक थर्ड कैटेगरी इसमें आती है, उसे हम बोलते हैं नॉन क्लासिकल, नॉन क्लासिकल बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब नॉन क्लासिकल पल क्या होंगे? इसको हम जो बॉन्ड बनता है ना टू इलेक्ट्रॉन से, वो लोकलाइज बॉन्ड की उससे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये जो मेटल है ये है और ये बॉन्ड कैसा है, लोकलाइज्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं मूव करके नहीं जाता, यहीं रहता है। ठीक है ना, इससे हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब ये होगा कि जो एल्किल ग्रुप है वो एज अ ब्रिज काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम, और इसके बीच में एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब ये क्या है? इसके साथ में ब्रिज बना रहा है। अब ये ना तो इसका अकेले का ना इसका अकेले का, ये जो CH3 ग्रुप है ये दोनों का राइट है इसके। तो यहाँ पर क्या है? डिलोकलाइजेशन हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, कभी ये इसके साथ भी बना रहा है और इसके साथ भी बना रहा है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होंगे वो होंगे आपके नॉन क्लासिकल नेचर के, या जो हमने फेरोसिन का एग्जाम्पल देखा, ये नॉन क्लासिकल है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा पाई बॉन्ड जो है वो क्या कर रहा है? मेटल के साथ में बॉन्ड बना रहा है। ठीक है ना, ये फेरोसिन, ये कोई एक कार्बन नहीं बना रहा है, बल्कि अलग अलग तरीके के जो कार्बन है ये पांचों टाइप के ये इसके साथ में बॉन्ड बना रहा है। तो ये नॉन क्लासिकल उसमें आता है जिसमें मेटल के पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है और लिगेंड के पास में जो फिल्ड ऑर्बिटल पाई ऑर्बिटल होता है, फिल्ड पाई ऑर्बिटल, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, और एक लास्ट जो हमारे पास में कंपाउंड है वो है मेटल कार्बोनिल्स, मेटल कार्बोनिल्स। अभी मेटल कार्बोनिल्स क्या है? अब बहुत सारे तो साइंटिस्ट इसको बोलते हैं कि साहब ये